आज हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ स्टेटमेंट नहीं इक्वेशन पर बेस्ड होगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने पर लगेगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या डाटा दिया हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान है। अधिकांश स्टूडेंट इसी दो तीन क्वेश्चन जो आपके बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है उस वाले पार्ट को लेकर के कन्फ्यूज रहता है, यानी कि उसको दूसरे नज़रिए से आप देख रहे हैं, इस वजह से वो गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं कि क्या क्या हम लोग फार्मूला पढ़े हैं आर्हेनियस इक्वेशन में। तो सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन आ गया था के इज इक्वल टू डॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। फिर सेकंड में आ गया था एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए भी रख सकते हैं पहले एल एन ए माइनस ये बाई आर टी। इसी को अगर 10 के बेस में कन्वर्ट किए यह आ गया लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। और फिर एक पढ़े हम लोग लॉग के टू बाई के वन इट इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। ये था। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये इक्वेशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां देखो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहां कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स e टू द पावर माइनस 28,000 के बाई टी कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ये दिया हुआ है। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकाले तो कौन सा है तो वो नहीं सोचो आप। ये आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दिख रहा है और ये इक्वेशन को आप इसमें से देखो तो किससे वो मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। बस जैसे ही ये पता चला अब आपका बन जाएगा और कैलकुलेशन भी इसमें कम है, आसान है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K इज इक्वल टू दिया हुआ है यहां पर, वैल्यू बताना आप, इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स e टू द पावर माइनस 28,000 केल्विन है ये बाय t। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। वी नो इस इक्वेशन से मैच कर रहा है आर्हेनियस इक्वेशन से। k इज इक्वल टू ए डॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। हमें निकालना क्या है, एक्टिवेशन इनर्जी। तो देखो तो एक्टिवेशन इनर्जी ये पार्ट इसके बराबर में है, तो जो निकालना है सिर्फ उसी वाले पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट माइनस ई ए बाई आर टी इट वुड बी इक्वल टू माइनस 28,000 के बाई टी। अब देखो तो क्या क्या कैंसिल हो गया पहले, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी और टी कैंसिल हो गया। अब देखो तो ई ए वुड बी इक्वल टू क्या बचा, 28,000 केल्विन इंटू आर, आर का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यूनिट क्यों लिख रहे हैं सर, देखो ये इक्वेशन में यूनिट दिया हुआ है, यहाँ भी यूनिट दिया हुआ है, यहाँ भी यूनिट दिया हुआ है, तो वो यूनिट की वजह से यूनिट कटेगा। देखो यहाँ केल्विन और ये क्या है, केल्विन इनवर्स, दोनों कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी बचा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 इट इज इक्वल 23, ये आ गया 232792 जूल पर मोल। इसी को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आ गया 232.792 किलो जूल पर मोल। देखो तो आंसर मैच कर रहा है, आ गया।
तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने के बाद लगेगा कि दिया हुआ क्या है, ठीक है, क्योंकि यूज नहीं करने आ रहा है तो उस कंडीशन में वो गड़बड़ लगेगा। अब आपको ये पता चल गया तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, तो वैसे ही सोचना है इसको भी। लॉग के इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन बाय टीएम। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट। पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो तो यहां पर भी उसी तरीके से करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या वैल्यू दिया हुआ है, लॉग के इज इक्वल टू 14.34 माइनस इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन बाय टी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी फॉर्मेट पर बताओ तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वी नो लॉग के वुड बी इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाय 2.303 आर टी। याद आ रहा है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो ये पार्ट नहीं सिर्फ इस वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अब देखो यहाँ रिलेशन क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, इट वुड बी इक्वल टू माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 के बाई क्या लिख सकते हैं टी, है ना। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी कैंसिल हो गया। अब क्या निकालना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वुड बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। केल्विन कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.25 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इज इक्वल टू 23.9339 यानी 23.9339 तो 934 इंटू 10 टू द पावर 4, इसी को अगर साइंटिफिक नोटेशन में करें तो 2.39 इंटू 10 टू द पावर 5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आंसर आया है, कहीं दिया हुआ है। ऐसे भी अगर इसको 10 टू द पावर 3 में करते वो, ये गलत कर दिए हम, यहाँ ये गलत कर दिए। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 यानी कि 10 टू द पावर 3 हटाना पड़ेगा, तो ये 239.34 किलो जूल पर मोल। और वहाँ 10 का पावर 5 कर रहे थे तो वो जूल पर मोल में ही यूनिट होता है, वो किलो जूल में नहीं कन्वर्ट करता। ये निकल गया। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट। हाफ पीरियड यानी कि टी हाफ दिया हुआ है, तो बताओ टी हाफ दिया हुआ तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब ये पता है, के पता है, तो फिर टी निकालना होगा। यानी कि अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में। नाउ टी हाफ का वैल्यू कितना है, 256 मिनट। तो के वुड बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, 0.693 डिवाइडेड बाई 256। के का वैल्यू निकला, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, 239.3 किलो जूल पर मोल। इसी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.393 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टेम्परेचर।
यानी कि टी। अब जितना फार्मूला पढ़े उसको एक बार ध्यान से देखो कि के निकालना है, टेम्परेचर निकालना है और के और ईए दिया हुआ है। देखो तो कहीं दिख रहा है, ये दिया हुआ है, के दिया हुआ है, नीचे वाले को ही यूज करो, लॉग वाला ही। के पता है आपको, ए पता है, इक्वेशन में दिया हुआ है, ये पता है, टी निकल जाएगा, आर भी पता है। अब यहां पर ये देखो वैल्यू लॉग ए की जगह पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14.34। तो जहां लॉग ए यूज करना है वहां पे 14.34 यूज कर लेंगे। अब यहां पर ये फॉर्मूला यूज करो, लॉग के वुड बी इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। लॉग के यानी लॉग के की जगह पर ये वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाई 256। लॉग ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14.34। यहां 14.34 माइनस ये का वैल्यू निकाले अभी हम लोग 2.39 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2.303 आर का वैल्यू 8.314 इंटू टी। अब बाकी रह गया क्या आपका कैलकुलेशन, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलो जूल पर मोल एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी। यानी यहां पे एंटी लॉग निकालना है, डाटा सेपरेट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जो द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट, स्क्रीन हमें दिखाई नहीं देता इसलिए आप वैल्यू जो है वो बताओगे। ए कन्वर्ट करा है किसमें, प्रोडक्ट में। अब डाटा सेपरेट करते हैं, वैल्यू ऑफ के, के यानी कि के वन का कर देते हैं इसको 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। यानी टी वन का वैल्यू 273 प्लस 10 यानी कितना कर देंगे, 283 केल्विन। बोलो कोई दिक्कत इसमें, केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी ई ए कितना है, 60 किलो जूल पर मोल। तो इसको जूल में कन्वर्ट करो तो 60 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल ये हो गया। एट व्हाट टेम्परेचर यानी किसका वैल्यू निकालना है, टी टू का। के टू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स। अब देखो तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, लॉग के टू बाई के वन इट वुड बी इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अब किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, जो देखो के टू दिया हुआ है, के वन दिया हुआ है, ई ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी वन दिया हुआ है, टी टू दिया हुआ है। निकल जाएगा। पहले इसको सोल्व करोगे, लॉग को अपोजिट साइड मिल जाएंगे, किसमें कन्वर्ट कर, एंटी लॉग में। बताएं आपको एंटी लॉग कैसे यूज किया जाता है, जो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी उसी तरीके से है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 10% कंप्लीशन, अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये एग्जामिनेशन में दे दिया तो आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है, मैनुअली करना पड़ेगा गुना भाग वगैरह, और दो तीन स्टेप में जाकर के ये बनेगा क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। तो अलग अलग टेम्परेचर पर दिया हुआ, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 4 × 10⁻⁰ सेकेंड इनवर्स कैलकुलेट के एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। देख रहे हो तीन टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है।
यानी कि एक बार में वो निकालेंगे वो निकालेंगे, इत्मीनान से देखोगे, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, और ये किस टेम्परेचर पर है, 298 एट 298 केल्विन, टी इज इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर, इसमें कितना परसेंट कंप्लीशन दे रहा है, 10%। फॉर 10% कंप्लीशन ये वैल्यू लिखा जाएगा 2.303 बाई के, के का वैल्यू नहीं ना दिया हुआ है, 2.303 बाई के लॉग आर नॉट के जगह पर कितना लिखेंगे, 100, और यहां आर की जगह पर 90। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, यहां के वन कर देते हैं क्योंकि तो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग, यहां के वन हो गया। अब फिर दूसरा टेम्परेचर किस पर दिया हुआ है, एट 308 केल्विन, 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 25%, बोलो वैल्यू इसका क्या लिखें, 2.303 बाई के टू लॉग 100 बाई 75, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों पार्ट बराबर हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन टू कंप्लीट 10% किस कंडीशन पर, एट 298 केल्विन इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट 25% किस कंडीशन में, एट 308 केल्विन। अब इन दोनों का वैल्यू रखते हैं, इधर में देखो ये वैल्यू कितना आ गया, 2.303 बाई के वन 100 बाई 90, 100 बाई 90 को डिवाइड ही कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 90 1.111, ये वैल्यू आ गया लॉग 1.111। लॉग 1.111 इट वुड बी इक्वल टू यहां 2.303 डिवाइडेड बाय के टू, और यहां है 100 डिवाइडेड बाय 75 1.333 लॉग 1.333 ये। अब देखो तो एक रिलेशन लॉग 2.303 कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया 1/k1 वुड बी इक्वल टू सॉरी लॉग 1.111 का वैल्यू देखो तो 11 के 1 में कितना वैल्यू है, 0453 इट वुड बी इक्वल टू 1/k2 इंटू 13 के 3 में देखो वैल्यू कितना, 1239 तो 0.1239। हम तीनों डिजिट को लेकर के चल रहे हैं, ये चौथा 1 और 3 है, उसको ऐड करना है तो मीन डिफरेंस में आएगा, ये प्रॉक्स में तो वैल्यू आएगा कम से कम, ठीक है ये। अब k2/k1 देखो तो देयरफॉर k2/k1 ये इधर चला आया, इट वुड बी इक्वल टू 0.1239 डिवाइडेड बाय 0.0453, इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.1239 डिवाइडेड बाय 0.0453 गड़बड़ हो गया, 0.1239 डिवाइडेड बाय 0.0453 2.735 है, 2.735 इट वुड बी इक्वल टू 2.735, यानी एक डाटा हमें मिल गया k2/k1 इट इज इक्वल टू 2.735
735। अब आगे सोचते हैं, आगे और क्या कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, इज 4×10⁻¹ सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अभी तक एक ही काम हुआ है। अब देखो यहां से क्या निकलेगा। अब इतने के बाद में आप पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे, ये जब निकल गया तब, उसके बाद वो ए वाला वैल्यू यूज होगा, लॉग के टू बाई के वन, इट वुड बी इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। लॉग के टू बाई के वन का वैल्यू कितना, 2.735। इट वुड बी इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर का वैल्यू 8.314। दो टेम्परेचर था, एक था 298, एक टेम्परेचर था पहले वाला कितना 298 और दूसरा कौन सा था 308। 298 माइनस 1/308। अब ये लॉग 2.735, अब इसका लॉग देखना पड़ेगा, तो 27 के 3 में देखो 4362 और मीन डिफरेंस 5 में 8 है, 4370 यानी 0.4370, यानी यहां आ गया 0.4370। इट वुड बी इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 और यहां इसका एलसीएम लेंगे तो 298 इंटू 308 और यहां आ जाएगा 308 माइनस 298। देखो तो यहां से किसका वैल्यू निकलेगा, ई ए का। कैलकुलेशन देख रहे हैं, बताया कि मैनुअली अगर दे दिया क्वेश्चन तो आधा घंटा लग जाएगा, अंदाज आपको लग रहा होगा। ठीक है, अभी सिर्फ ई ए निकलेगा, अभी दूसरा अभी आपका के एक और जो है अलग टेम्परेचर पर निकालना बाकी है। यानी अगर क्वेश्चन सेट करने वाला नाराज है उस दिन किसी मैटर को लेकर के, तो यहां आ जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहां ई ए वुड बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, तो 0.4370 इंटू ये पार्ट 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 0.4370 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 10, 76798 joule joule per mole। ये किसका वैल्यू निकला है, ई ए का। अब जो लास्ट में जो दिया हुआ है वो डाटा यूज करना पड़ेगा। अब यहां कर रहा है इफ द वैल्यू ऑफ ए, अब देखो ए का वैल्यू है दिया हुआ 4×10⁻¹ सेकेंड इनवर्स, ए का वैल्यू निकल गया, के दिया हुआ है, सॉरी टेम्परेचर दिया हुआ है, तब किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। अब ये वाला वैल्यू याद रखना आप, कितना है 4×10⁻¹। नाउ यहां लिखते हैं, नाउ फिर से बताओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के का, ए का दिया हुआ है ना, अभी ये जो निकाले हैं जो 76798 76789.4
767.4 जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया, आर्हेनियस फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 × 10⁻¹0, 4 × 10⁻¹0 सेकंड इनवर्स। टेम्परेचर 318 केल्विन, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, के का वैल्यू। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग के वुड बी इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। लॉग के वुड बी इक्वल टू लॉग ए की जगह पर 4 × 10⁻¹0 माइनस ई ए की जगह पर वैल्यू 76798.4 डिवाइडेड बाई 2.303 आर का वैल्यू 8.314 × 298 318 सॉल्व हो जाएगा। देखे कितना कैलकुलेशन है, ठीक है, एक बार में 10% है वो अलग टेम्परेचर पर 298, 25% है वो अलग टेम्परेचर पर, और इसके बाद ईए का निकाले, और जब ईए निकल गया तो फिर 318 केल्विन पर हम लोग को के का वैल्यू निकालना है, और वे इतना कुछ करना होगा मैनुअली, तो कैलकुलेशन में टाइम तो लगेगा। लेकिन बार बार बोलते हैं कि डाटा आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखते जाओगे, फार्मूला लिखोगे, ठीक है, आप जगह छोड़ दिए, फार्मूला बनाया हुआ क्वेश्चन है तो दिमाग में आएगा, और केमिस्ट्री में जनरली जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो आपका बनाया हुआ एक बार में तो तुरंत स्ट्राइक करेगा, कह रहे उसी तरह का क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो उतना आप कर सकते हैं। बाकी जो नहीं बनाया है उसे हिलेगा भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक यहाँ पर ग्राफ है, फिर बैठ करके आप नोट करते रहिएगा, ग्राफ से रिलेटेड है। जैसे हम लोग अगर ऑर्डर की बात करें, आर रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इस जगह पर है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये किस ऑर्डर का है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है। अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन है और यहां ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर का पावर वन है, इसका मतलब ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है और यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर टू है और ये इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर। तो यहां से कंक्लूजन ये आ गया कि आर का जो पावर होगा एन पावर, जो 1/2, 1/3, 1/4, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड था। हम लोग जब पढ़े, अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, इस जगह पर इनर्जी है, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पहले भी बनाए हैं, अभी बनाएंगे तो याद आ जाएगा, ये रिएक्टेंट है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया और फिर ये प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स ये क्या है, एक रिएक्शन से समझाते हैं। जैसे अगर मान लिया
एच टू और आई टू ये रिएक्ट कर फॉर्मेशन करता है टू एच आई का। तो रिएक्शन ऐसे नहीं हो जाता है अचानक से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अब वो प्रोडक्ट अस्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसका एनर्जी ज़्यादा है किसका कम है। केमिकल बॉन्डिंग याद करो आप, वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इनर्जी रिलीज होता है, बिकॉज बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो एटम जब कंबाइन कर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल का एनर्जी एटम के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, और अगर कम है एनर्जी तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। वहीं अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम है रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है तब इसका मतलब वो अस्टेबल होगा। अब जरा सोच के देखो, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है जिसका एनर्जी कम है, तो जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एनर्जी वो रिलीज करेगा, बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। और जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ग्राफ पर आएंगे, यहां पर पहले समझते हैं कि रिएक्ट करता है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या हुआ। H2 में पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, I2 में I और I के बीच में बॉन्ड है। रिएक्शन के समय में ये H, H, I, I, ये डॉट 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 हुआ, यानी कि इनके बीच का पहले से जो बॉन्ड बना हुआ वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। और यहाँ ये डॉट 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 का मतलब अब इनके बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस जगह पर ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है जो बना है, इसी को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यानी जो थोड़ी देर के लिए बना है, यानी अभी पूरा बॉन्ड टूटा भी नहीं है, पूरा बॉन्ड बना भी नहीं है, ये बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है। और जैसे ही जिस कंडीशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, अब ये कन्वर्ट कर गया एच आई और ये कन्वर्ट कर गया एच आई। देखो तो दो हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसलिए यहाँ फॉर्मेशन किसका हो गया, टू एच आई का। तो पहले इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको अपनी तरफ से एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ ये देखो रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पहुँचने के बाद में जैसे ही एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बना, अब वो कन्वर्ट करेगा सीधे किस में, प्रोडक्ट में। अब ये प्रोडक्ट में अभी जो बता रहे थे उसके अनुसार से ग्राफ देख करके बताओ तो किसका एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कम है। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वैसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक। यानी ये ग्राफ एक्सोथर्मिक है, और इस कंडीशन में एनर्जी कितना रिलीज करेगा ये इसके बराबर में होगा, यानी इन्हें कहा जाएगा डेल्टा एच। ये डेल्टा एच हुआ इन दोनों के बीच का एनर्जी, यहां से यहां जो आप पहुंचा रहे हैं, यहां ये इतना एनर्जी आप देंगे तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो इसे भी एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और वहीं अगर इससे कंपेयर करें प्रोडक्ट से तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये किसके लिए हो जाएगा, बैकवर्ड के लिए। और चूंकि यहाँ एनर्जी रिलीज होगा तो इस कंडीशन में जो डेल्टा एच का वैल्यू निकालोगे वो किस में आएगा, निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब ये प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। वहीं अगर इस तरीके का है ये ग्राफ, यहां भी ये एनर्जी है, यहां ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इस बार का ग्राफ ऐसे है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का। तो यहां ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी यहां डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और प्रोसेस कौन सा होगा, इंडोथर्मिक, यानी ये अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, अब एक्चुअली है क्या ना, बहुत सारा पार्ट जो आपका 11 से जुड़ा हुआ है जिसको अगर आप सीरियसली नहीं लिए होंगे,
याद करो थर्मोडायनेमिक्स में आया था प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसी में एक कंडीशन और आ जाएगा कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों का वैल्यू जो है वो इस तरीके से सेम हो जाए, यहां पर दोनों बराबर एक लेवल में, तो यहां डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, और ये किसको शो करेगा इक्विलिब्रियम को, यानी कि कोई भी कन्वर्ट कर सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। अब एक और ग्राफ आपको नजर आएगा कैटलिस्ट से रिलेटेड, अगर नॉर्मली आप रिएक्शन यूज कर रहे हैं तो ये इस तरीके से कन्वर्ट करता है, और यहां जो आप एनर्जी दे रहे हो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसी एनर्जी को कौन सा एनर्जी कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन दे दिया था, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये वाला, किसी को एक्स कर दिया, किसी को वाई कर दिया, किसी को जेड कर दिया, और पूछ रहा है कि एक्स क्या है वाई क्या है, तो यहां से एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक जो आप एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहां और यहां के बीच में जो एनर्जी गैप है वो हो गया एन्थैल्पी चेंज, ये ध्यान में रहेगा तो फिर बाकी का वो बन जाएगा। यहां वाले पार्ट पर बात करते हैं हम लोग, तो यहां ये अभी एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो कैटलिस्ट यहां पर ये रिएक्टेंट है और ये भी क्या है प्रोडक्ट है, लेकिन जब कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया घट गया। तो याद करो कैटालिसिस जब लिखाए थे तो उस वक्त में बताया थे कि कैटलिस्ट चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शन एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू को कम कर देता है जिसलिए रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। हम आपको बोल दें कि देखो इस पर फोकस करो, इसको छोड़ो ना, ठीक है, यहाँ मत उलझो, यहाँ तक का काम करो, यानी कि हम आपके वर्क को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपके वर्कलोड को कम कर रहे हैं कि आप उसमें मत उलझने का जरूरत है, यहाँ इस वाले पार्ट को आप करो, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करें ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।